हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, पूरी दुनिया में किधर भी होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा मेरा वीडियो रहेगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बनाऊंगा मैं हैवी ट्रक ड्राइवर। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे वीडियो के नीचे और काफ़ी लड़के कुछ दिनों से वेट कर रहे थे इस वीडियो का। तो धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आते हैं और आज मैं जो पूरा पूरा जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दुबई के हैवी ट्रक ड्राइवर के लिए, ठीक है? तो आप सबसे पहले, अगर जो आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और भाई बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, क्योंकि जैसी वीडियो शायद मैं आपके लिए लेके आ सकता है तो आपको कोई भी जेन्युइन बात नहीं बताएगा, ठीक है? क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर को फॉलो किया और मतलब जब मैं इधर आया तो मेरे को लगा कि कुछ बात जेन्युइन नहीं बताते, कुछ बात फेक बताते हैं। तो अपने पास ऐसी कोई फिल्म नहीं है, एकदम जो बताएगा आपके साथ पूरा शेयर करेगा, एकदम वो भी जेन्युइन, मतलब एकदम राइट, ठीक है ना? तो बहुत सारे लड़के जो पंजाबी लड़के हैं मोस्टली, वो क्या करते हैं दुबई को, दुबई में जो आते हैं मोस्टली 99% में बताता हूँ, पंजाबी के अलावा भी और आते हैं, ठीक है? तो हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस ज़रूर बनवाते हैं क्योंकि ड्रीम बड़े होते हैं। और भाई थोड़े से मैं चाय ठंडी हो जाएगी अभी बनाई, तो वो भी थोड़ा थोड़ा चुस के ले लूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो रात का भी 1 बजे हुआ, 1:04, ठीक है? तो आज मैं इसीलिए ये गया, देखो पूरा का पूरा मैं जो बात करता हूँ आपके साथ जेन्युइन बात करता हूँ पूरा प्रूफ के साथ, ठीक है ना? तो आज मैं ऑलरेडी ड्राइविंग स्कूल में गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए था हैवी ट्रक ड्राइवर का। और तो बहुत सारे कमेंट करते हैं लड़के, मतलब बहुत सारे, जब मैं इंडिया में था तो मैं भी सोचता था यार, क्योंकि जो हमारे पास के जो हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बनाते थे दुबई के अंदर। और भाई हाँ, एक मैं और चीज़ ऐड कर देता हूँ, इसमें कार का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कितने का बाइक का, कार का और इसका ट्रक ड्राइवर का। तो स्टार्टिंग में ऊपर से करता हूँ नीचे से, ठीक है? तो ट्रक का बनाऊंगा, फिर गाड़ी का, फिर बाइक का, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ डॉक्यूमेंट, मतलब सबसे पहले तो मेन होता है फीस। भाई हम कैसे बना सकते हैं, मतलब जब मैं इंडिया में था अपने घर पे, तो हमारे आसपास के जब दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैवी ट्रक ड्राइवर सॉरी, तो पैसे बहुत ज़्यादा बताते थे कि भाई 8 लाख 10 लाख इंडियन, देखो मैं आपसे ओपन बता, इतना पैसा बताते थे, ठीक है? और हाँ भाई, जो लड़के ऑलरेडी इंडिया में है वो स्पेशल बनाने के लिए आते हैं दुबई का हैवी ट्रक ड्राइवर, क्योंकि 2 से 3 लाख के बीच में तो उसका लाइसेंस फीस लग जाता है। तो एजेंट को काफ़ी पैसा दे के आते हैं ओनली। मैं क्योंकि आज ईडीआई में गया, मेरे को काफ़ी लड़के मिले जो 8-8 लाख रुपए दे के आ रहे हैं ओनली ड्रग ड्राइवर का लाइसेंस बनाने के लिए। तो भाई इधर क्या कंडीशन होती है, इधर दो कंडीशन होती है, एक तो ट्रक ड्राइवर के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो एक ऑप्शन होता है उसका मतलब एक नॉर्मल फीस होती है, जो उसमें आप फेल होंगे तो आपको फीस दोबारा फिर जमा करनी पड़ेगी उसकी क्लासों की, ठीक है ना? क्योंकि इधर क्लास वाइज क्लास देना पड़ता है। तो क्या करते हैं मोस्टली लड़के कि फिक्स प्राइस कर लेते हैं। फिक्स प्राइस का मतलब एक होता है ठेका, ठीक है ना? क्योंकि मैं आज पूरी बात किया ओपन, ठेका का मतलब क्या है, देख जैसे मैं लाइसेंस लिया मैं भी ठेका किया था, ठेका का मतलब क्या है कि आप कितनी दफ़ा फेल हो गए मतलब ट्राई में, मतलब ड्राइविंग में, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, आपको फ्री, मतलब आपका जितना कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ में, जितना भी आपने बोल दिया कि भाई मैं इतने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब इसमें आपने मेरे को लाइसेंस देना ही देना है, चाहे उसमें 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, 1 साल लगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर आप कितनी जल्दी उसको सीखोगे। और ठेका लेके एक और मैं बात बता देता हूँ, ठेका दे के आदमी को एक कोई भी, देखो आपका किसी के पास कुछ पैसा आ गया, आप बोलोगे कि इसको जल्दी से निकालो, तो वही सीन होता है। तो ड्राइविंग वाले भी आपको, स्कूल वाले सोचेंगे कि भाई इसको जल्दी सिखाओ और जल्दी निकालो, इसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा आएगा, ठीक है? तो ठेके में मैं जितना मेरे को मालूम, मेरा एक्सपीरियंस हो गया देख के, ठेका एक अच्छा है दुबई में, अगर जो आप हैवी ड्रग ड्राइवर के लिए, ड्राइवर के कोई से के भी ले आ रहे हो। क्योंकि क्या होता है, अगर जो आपने फिक्स प्राइस नहीं किया, मतलब ठेका नहीं किया, आप वैसे जा रहे हो, वो आपको जानबूझ के फेल करें, क्योंकि उनका पैसा बनता है,
ठीक है ना, जितनी बार आप फेल होगे उतनी बार आपको उनको पैसा दोगे। पैसा भी ऐसा नहीं, इंडियन 20,000 तक देना पड़ता है भाई एक बार फेल होने के बाद में। तो अगर जो आप 4-5 बार हो गए आपका तो इधर लेवल होते हैं 1, 2, 3, 4, आप अगर जो आप एक लेवल में भी 2 बार फेल हो गए, ठीक है, तो 5 लेवल हो गए, 5 लेवल में भी 2 2 बार फेल हो गए तो 10 बार हो गए, तो 2 लाख से भी 1 लाख से भी ऊपर आपका वैसे वैसे चला जाएगा। तो फिक्स प्राइस बहुत अच्छा है, और जब भी आप कभी आओ तो फिक्स प्राइस ही करो, गाड़ी बाइक और ट्रक बस कोई भी हो। तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन अभी आते हैं उस पर, देखो इसमें क्या है, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन लिया कितना पैसा लगता हैवी ट्रक, इसका मैं टाइटल भी यही डालूंगा हैवी ट्रक ड्राइवर की फ़ीस कितनी होती है, ठीक है, लाइसेंस बनवाने की। और मैं दिखा देता हूँ देखो, ठीक है, अगर जो आपको यहाँ आ जाए, कैमरे को मैं थोड़ा कर देता हूँ इधर, तो ये वाली है, ये वाली देखो, ठीक है, और मैं फ़ोन को दिखा देता हूँ। हाँ ये देख, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये वाली है, ठीक है, तो यार दिख जा, तो मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को आगे करके लेके आता हूँ, तो ये है, ठीक है, मैं अब इसको शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैं बता देता हूँ कितना है। अगर जो देखो इधर सबकी सेपरेट सेपरेट होती है, मतलब अगर जो आप जुमे को लेते हो, जुमा मतलब फ्राइडे, ठीक है, तो फ्राइडे की इधर दुबई की छुट्टी होती है हॉलीडे, अगर जो आप उस पर लेते हो तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन टीचर को बुलाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, तो उसकी फ़ीस हमेशा कोई सी भी लोगे आप बहुत ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा फ्राइडे की होगी। अगर जो आप रेगुलर करोगे मतलब फ्राइडे टू फ्राइडे, तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, एक रेगुलर रेगुलर की फ़ीस बहुत कम होती है। लेकिन अगर जो इधर बंदे काम करने के लिए आते हैं, तो भाई वैसे तो डेली छुट्टी नहीं मिलेगा, तो भाई इसलिए लोग जितने भी होते हैं तो फ्राइडे टू फ्राइडे करते हैं, थोड़ा फिक्स भी देते हैं, ज़्यादा भी देते हैं। तो अगर जो आप रेगुलर करोगे उसकी फ़ीस है 4,436 दरम, 4,436, तो अप्रोक्स 80-85 हज़ार से 90 हज़ार के बीच में आती है, अगर जो आप रेगुलर करते हो, आप एक भी बार फेल नहीं होते हो, तो आपका 80 से 90 हज़ार तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा दुबई का, हैवी ट्रक ड्राइवर की बात कर रहा हूँ मैं। अब आगे फ्राइडे वाले की बात, फ्राइडे वाले का आता है 4,576 रुपये, यानी कि 4,576, और रेगुलर का है 4,436 रुपये धर्म, सॉरी रुपये बोल रहा हूँ मैं। तो अभी इसको कैलकुलेट कर लो, एक यानी कि 80 हज़ार से 1 लाख तक आपका, अगर जो आप फेल ना हो तो आपका हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बन जाएगा। बट अगर जो आप हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बना रहे हैं फिक्स प्राइस में, फिक्स प्राइस आप 10 बार फेल हो, 20 बार फेल हो, आप 30 बार फेल हो, मतलब आपको आपने अगर जो अपने में दम है, मतलब आप अपने आप को हारेंगे नहीं है, तो आपको लाइसेंस मिलेगा, मीन्स आप जितनी भी बार फेल हो आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मेरी चाय ठंडी हो रही है तो उसमें क्या है, अभी ये देखो फिक्स प्राइस कितना है, देखो भाई ध्यान से सुनो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करो भाई, सपोर्ट करो। आगे आगे मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा एकदम आपके पास, साथ प्रूफ के साथ, क्योंकि आप लोगों को जो फ्रॉड कर बताते हैं ना आपके पड़ोस वाले, ये वाले, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता हूँ, मतलब वो आपको क्योंकि यार मिडिल क्लास फैमिली वाले क्या सोचते हैं, मतलब एक तो उनके पास पैसा पहले ही नहीं है, कुछ उनको इतना ज़्यादा पैसा बता देते हैं कि उनकी सोच भी ख़त्म हो जाती है, यार मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज़, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप हैवी ट्रक ड्राइवर का लाइसेंस बनाने के लिए आ रहे हैं दुबई के अंदर, तो उसकी फ़ीस है 10,296 रुपये, ठीक है, यार दिख जा, ये देखो पेन से लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 10,296.30 फिल्स, ठीक है। अभी मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूँ कितना कितना आता है। तो भाई अभी मैं बताता हूँ इंडियन करेंसी में, भाई आप जोन कोई सी भी कंट्री से होंगे, ठीक है, कोई सी भी, तो आप अपनी करेंसी में कैलकुलेट कर लेना। तो मैं जो किया ये अपने इंडिया की करेंसी से कैलकुलेट किया, जो हैवी ट्रक ड्राइवर का फिक्स प्राइस है वह है 10,296.30 फिल्स दरम दुबई का, ठीक है, और सॉरी उसकी कैलकुलेशन करके मेरे को बना, मतलब जो आज की डेट का है, मतलब आज डेट कितना, 10 तारीख दूसरा महीना 2020, यानी कि 10/2/2020, 2020, ठीक है, तो आज का जो प्राइस है ये है 19 रुपये
50 फील, यानी कि 19 रुपये 8 आना, ठीक है, आज का जो प्राइस है, तो उससे बनता है 2,777.85 फील इंडियन रुपीस, ठीक है ना, मतलब 2,780 रुपये लगाओ, ठीक है, 2,000, सॉरी 2,000 बोलो, 2 लाख है, मतलब दरम को इंडियन रुपीस में कैलकुलेशन करके 2,777.85 फील, ठीक है, तो वो इंडियन रुपीस में दो इतना आएगा, ठीक है। तो अगर जो आपको कोई बोल रहा है 4 लाख 5 लाख 10 लाख, ऐसा कुछ नहीं है, इतना प्राइस है, इसमें आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आप एक बार फैल हो, दो बार फैल हो, 10 बार फैल हो, तो आपको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज आज का ही मैं लेके आया इसको, ठीक है, आज की डेट का है ये, देखो ये पेन से भी लिख रहा है, लिखा हुआ है जितना फिक्स प्राइस है, और मेरे पास दूसरा भी है, गाड़ी का भी लाइसेंस का है, बाइक का भी, मैं हर चीज़ का, क्योंकि मैं आज इसके लिए गया था, क्योंकि मेरे को लाइसेंस बनवाना है इसका जल्दी, अभी नहीं, बट मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए था, और वीडियो भी शेयर करना था आप लोगों के साथ में, तो बस यही था। अगर जो आपको कोई बता रहा है भाई कि इतना पैसा लगता है, इतना इतना पैसा कुछ नहीं लगता है, अब ये प्रूफ के साथ है आपके आपके सामने, ठीक है। अगर जो आप दुबई में हैवी ड्रग ड्राइवर का लाइसेंस बनाने के लिए आ रहे हो, तो भाई आपके पास 2,777.85 फील्स होना चाहिए, ये आपके स्कूल की फीस है, और इसमें डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ, ठीक है। वैसे एक डॉक्यूमेंट का मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है एवरीवन के लिए। सबसे पहले अगर जो आप देखो, ये हैवी ट्रक ड्राइवर का थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें आपका आइज़ के साथ में, मतलब आँख के साथ में आपका एक फिटनेस होता है पूरी बॉडी का, मेडिकल, जैसे वीजे के लिए लगता है, ठीक है, तो एक ऐसा मेडिकल होता है इसका, क्योंकि आज मैं पूरा इन्फॉर्मेशन लिया, बट मेरे को पहले नहीं मालूम था इसका, कि मैं सोचता था सेम जैसे मैंने गाड़ी का लिया सेम ऐसा, बट इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए एक अलग से एक मेडिकल कराना पड़ता है आई आइज़ के, वैसे आप बाइक का लो गाड़ी का लो, आपको आंखों का टेस्ट कराना है बस, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, तो बस आज का तो, और सॉरी आपका एनओसी, आपके जो इमरेस आईडी होती है इधर इधर की आईडी कंपनी की, आपका वीज़ा, और बस यही 5-6 चीज़ें चाहिए, बाकी मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए सेपरेट। और भाई किसी के कौन कितना पैसा बताता है उस चीज़ उस पर फोकस मत करो, जो बात है जेन्युइन बात है, प्राइस इससे कम ज़्यादा नहीं होगा, मतलब कम हो सकता है, ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, बट वो हो भी सकता है, देख, बट अभी का जो प्राइस है, ये आज 10 तारीख है, दूसरा महीना है 2020 है, यानी फरवरी, फरवरी का महीना है, 10 तारीख है 2020 है, ठीक है, तो आज का जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को बता दिया, और बाकी 100-200 रुपये ऊपर नीचे रहते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर जो आप आ रहे हैं तो आराम से आओ, बेफिक्र होके आओ, फिक्स प्राइस करो, और बस भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये बहुत, मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इस क्योंकि ये वीज़ा लगा के आदमी यूएसए, कनाडा और न्यूजीलैंड वगैरह, ऑस्ट्रेलिया जाने का एक बहुत इजी वे हो जाता हैवी ट्रक लाइसेंस बना के, तो अपने ड्रीम जितने भी होते हैं वो कंप्लीट हो सकते हैं। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूँ मैं, अच्छा लगे तो प्लीज़ बोलना, बताना मेरे को, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, और जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए, ठीक है। तो भाई अब मेरे कहने का मतलब ये है, आप जिधर भी जाओ उस पर फोकस करो, और दुनिया आपको देखे, दुनिया आपकी तरह बनने की कोशिश करे, ठीक है ना, आप मिसाल बन जाओ, मतलब आपके आसपास वाले भी बोलें, आपके दूसरों के पेरेंट्स बोले कि उसकी तरह बनो बेटा, उसकी तरह, जैसे बोलते हैं ना कि मोहल्ले में किसी लड़के की एक नौकरी लग जाती है तो बोलते हैं यार वो पढ़ता है उसकी तरह बने, उसकी तरह, तो ऐसा बनने की कोशिश करो भाई, आपको आपका गांव नहीं, आपका कस्बा नहीं, आपका पूरा एरिया, मतलब ये तो मैं बोलता ना भाई, आप पूरी कंट्री वो करो तो भाई बहुत अच्छा, मतलब एक एरिया आपको बोलने लगे कि भाई फलाने का लड़का है, ऐसा बनो, ठीक है, तो आप सब कुछ कर सकते हो, हर चीज़ आपने, हर ड्रीम कंप्लीट कर सकते हो, बट थोड़ी सी आपको फोकस करने की, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप चाहे मिडिल क्लास, मैं ऑल्सो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ भाई, बट मेरे ड्रीम बड़े हैं, और मैं आँख खुली करके सपने देखता हूँ, कोई बोलते हैं आँख बंद करके, नहीं मैं आँख खुली करके देखता हूँ, क्योंकि मेरे को उनको मालूम है कैसे पूरा करना है, क्योंकि अगर जो मैं आँख बंद करके ड्रीम देखूंगा तो शायद वो मेरे आँख खुलने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है, मैं भूल जाऊँ, बट मेरा नज़रिया अलग है, मैं आँख खुले करके इसलिए देखता हूँ क्योंकि मेरे याद रहेंगे वो, मैंने मालूम है कि मैंने उनको अचीव करने के लिए क्या क्या मैंने करना पड़ेगा लाइफ में,
तो भाई आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करो वीडियो को, चैनल को मेरे रियल देसी बॉय को, और भाई इसको वीडियो को शेयर करो दबा के। जिन लोगों को अफवाह फैलाते हैं इतने पैसे लगते हैं, इतना लगता है, तो भाई इतना कुछ नहीं लगता। और भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, बस ऐसा ही नया नया वीडियो आता रहेगा मेरा। और भाई जल्दी जल्दी मैं कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा, और थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं इतना। ओके अभी मैं काफ़ी 1:30 बज गया, और वीडियो शायद इसको मैं कल अपलोड करूँगा इवनिंग के टाइम में, क्योंकि दिन में ड्यूटी जाऊँगा, मॉर्निंग में 8 बजे जाना है, और इवनिंग में मैं उधर से आऊँगा। इवनिंग का तो कोई टाइम ही नहीं है किस टाइम आऊँगा, बट आने के बाद मैं इसको रात को अपलोड करूँगा, यानी कल 11 तारीख को। तो ओके आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ यार शेयर करो। मैं इस वीडियो में इसलिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आप लोगों के साथ शेयर किया, तो शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक, या लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, देखना जो थंब का निशान है ऐसा लाइक कर दिया करो, अगर जो अच्छा ना लगे तो भाई डिसलाइक का ऑप्शन ऐसा आता है तो उसको कर दिया करो, मतलब मेरे को पता लग जाएगा कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मेरे को और अच्छा करने की ज़रूरत है। अगर जो मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ कर दिया करो, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि अब मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो ओके भाई लव यू सारे नु, अपना ध्यान रखो और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और भाई मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ये ना सोचो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, बस जो रिच फैमिली से अमीर फैमिली से उनके भी दो हाथ हैं, दो आँख हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, तो सेम वही आपके, आप भी सब कुछ कर सकते हो, बस इससे आगे तो आप सब समझ चुके हैं, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो प्लीज़ बस अपने आप में नर्वस मत हो, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। ओके लव यू सारे नू, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, ओके गुड बाय।